अमेरिका में सियासी आग के बाद अब आपको बांग्लादेश में आरक्षण पर हिंसा वाली आग दिखाते हैं। ढाका पिछले 15 दिनों से सुलग रहा है, कोटे पर महाभारत ऐसा चढ़ा है कि पूरा देश जल रहा है। लाखों युवा छात्र सड़कों पर उतरकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने छात्रों की खूनी झड़पों की भयानक तस्वीरें पूरे विश्व में वायरल हो चुकी हैं। उपद्रवियों ने ढाका की कई इमारतों को आग लगा दी है। लाठी डंडे पत्थर लेकर घूम रहे प्रदर्शनकारी बसों और वाहनों को फूंक रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। तुर्की की न्यूज एजेंसी एनाडोलू के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बांग्लादेश की सरकार इसके पीछे देश के रजाकारों का हाथ बता रही है। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब जयचंदों से होता है, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ मिलकर दशकों से देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इन रजाकारों को हिंसा के लिए पाकिस्तान ने उकसाया है? वीडियो करो। क्या बांग्लादेश दंगे का डायरेक्टर पाकिस्तान में बैठा हुआ है? क्या ढाका में तनाव भड़काने की स्क्रिप्ट इस्लामाबाद से बैठकर लिखी गई है? क्योंकि आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वहां इस समय बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप है। हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेज के साथ साथ मदरसों के दरवाजे भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आम लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही है और स्थिति पर काबू पाने के लिए सेना को मोर्चे पर उतारा गया। बांग्लादेश में आरक्षण सुधार आंदोलन के नाम पर भड़की आग के पीछे पाकिस्तान पर शक क्यों गहरा रहा है, इसका जवाब थोड़ी देर में देंगे, लेकिन इससे पहले इस विरोध और उपद्रव की जड़ को समझते हैं। बांग्लादेश में 44% सरकारी नौकरियां मेरिट पर मिलती हैं। सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 56% है। इस 56% में 30% 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है। पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए 10% सीट आरक्षित है, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए सीट आरक्षित है। ढाका में इन दिनों जो आंदोलन छिड़ा है वो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को 30% आरक्षण के विरोध में है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए और नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए। यही मामला कुछ दिन पहले वहां के हाईकोर्ट में गया था, तब अदालत ने मुक्ति योजनाओं के वंशजों को 30% आरक्षण देने के फैसले को सही ठहराया था। लेफ्ट विंग ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वहां मामला विचाराधीन है। बुधवार को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस होने की बात दोहराते हुए धैर्य बनाए रखने की अपील की। यह भी कहा कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों छात्रों को अब शेख हसीना की बातों पर भरोसा नहीं है और ढाका का किला हर गुजरते दिन के साथ पथराव, आगजनी और गोलीबारी में ढहता जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान का रोल क्या है? इसे समझने के लिए पहले सुनिए कि तीन महीने पहले पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के किस सार्वजनिक तौर पर बोझ बताया था, किस तरह सार्वजनिक तौर पर बोझ बताया था और ढाका की तरक्की से जले भुने शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हालत पर किस तरह शर्मिंदगी बयां की।
शाहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को अप्रैल के महीने में जब बोझ कहा था, तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि ढाका जुलाई में जल उठेगा और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों की तरह इस तांडव के पीछे भी पाकिस्तानी कनेक्शन निकलेगा। असल में शेख हसीना सरकार का आरोप है कि यह प्रदर्शन विपक्षी दलों की शह पर हो रहा है। विपक्षी दलों से जुड़े इस छात्र संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बांग्लादेश के विपक्षी दल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में हैं और पाकिस्तान मुक्ति योद्धाओं के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी दलों को फंडिंग कर रहा है। बांग्लादेश सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने वालों की तुलना रजाकार से की है। ढाका में रजाकार वो लोग हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और भी है, वो ये है कि जिस तरीके से नेपाल में सत्ता बदली है हाल ही में, कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि अगला टारगेट उनका बांग्लादेश है। किनका? चीन का, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार की भारत की सरकार के साथ अच्छी खासी करीबियां हैं और चीन को यह बात पसंद नहीं आ रही और इसमें समर्थन चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा संकेत जो कई एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में लड़े गए युद्ध के बारे में आपको मालूम होगा। 1971 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की फौज 13 दिन भी नहीं टिक पाई थी। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के पराक्रम से खौफ खाए पाकिस्तानी जनरल नियाजी समेत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदूकों के साथ सामूहिक सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान के लिए सरेंडर किसी कलंक से कम नहीं था क्योंकि पाकिस्तान इस हार से दो टुकड़ों में बट चुका था। इस बंटवारे के साथ ही नया देश बना बांग्लादेश। इस सफलता में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का भी योगदान था। मुक्ति वाहिनी यानी पाकिस्तान के जनसंहार और अत्याचार के विरुद्ध पूर्वी हिस्से की आजाद सेना, जिसमें मिलिट्री के जवानों और आम नागरिकों को शामिल किया गया था। उस समय मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत की तरफ से बॉर्डर पार करके सीमा के अंदर आने की मंजूरी दी थी और यहां से सैन्य प्रशिक्षण लेने के बाद इसी मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज को सबक सिखाया था। पाकिस्तान मुक्ति वाहिनी से मिली उस चोट से आज तक घायल है और जब पाकिस्तान से अलग होने के 53 साल बाद बांग्लादेश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो कई मामलों में वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। वहीं पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी के हालात हैं। इसी ईर्ष्या के कारण पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि वो बांग्लादेश में हिंसा फैलाने वाली साजिश रच रहा है।